गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून। सो आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है और इस पर क्यों वीडियोस डाल रही हूँ, उसे क्या होगा, ये सब मैं आपसे आज डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं शुरुआत से बताती हूँ आपको कि कहाँ से मेरे दिमाग में ख्याल आया था, कब आया था। तो शादी से पहले मैं जॉब कर रही थी, फिर उसके बाद शादी के बाद मैंने शादी के टाइम में मैंने जॉब छोड़ दी थी। फिर शादी के बाद मैंने सोचा था कि मैं जॉब करूं, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि तब उस टाइम पे लोगों की जॉब छूट रही थी। फिर लॉकडाउन खुला तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जॉब करने के लिए मैं अप्लाई कर रही थी। फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप इतना नहीं वो करते हो कि जॉब वगैरह, उस टाइम पे तो सारा ध्यान बस बेबी पे होता है। तो इसलिए फिर मैंने नहीं चाहा जॉब करने के लिए। तो ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं था जॉब करना, बस अपने एक इंटरेस्ट के लिए और अपना एक इंडिपेंडेंसी के लिए जॉब मैं करना चाह रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब जॉब तो हो ही नहीं सकती है। उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन उस टाइम पे मैं फोन लेके बहुत बैठती थी। उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग देखती थी लोगों की और प्रेगनेंसी वीडियोस देखती थी। लोग बता रहे हैं कि उसमें क्या करना चाहिए, किस चीज से क्या चीज नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंट लेडीज को, ये वो। तो मैं आपसे भी शेयर करूंगी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी आगे। ये सब हुआ, मैंने वीडियोस देखती थी तो मेरे दिमाग में तब ख्याल आया, अच्छा ऐसा होता है कि ये लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं तो मैं भी बना सकती हूँ। तो फिर मैंने तब सोचा, फिर मैंने लेकिन अप्लाई नहीं किया था। मैं वीडियोस बनाती नहीं थी, खाली देखती थी उस टाइम पे। फिर वृंदा हुई, फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो अब बना ही जाए। फिर मैंने एक दो वीडियोस बनाई, लेकिन वृंदा के साथ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी नहीं हो सकता, थोड़ी वृंदा बड़ी हो जाएगी, एक आध साल बाद ट्राई करेंगे। अब वृंदा 2 ईयर्स की हो गई है और प्ले स्कूल में मैंने उसका एडमिशन करा दिया है। तो अब फ्री तो मैं अभी भी नहीं हुई हूँ, लेकिन अभी भी काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन खाली बैठने से बहुत अच्छा है अगर आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपका मन माइंड डाइवर्ट रहता है और आप के दिमाग में ये रहता है कि आप कुछ कर रहे हो। वीडियोस बनाना भी इतना आसान नहीं होता, दिखने से लगता है कि आसान है, खाली बोलना है, लेकिन उसमें भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इससे एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है और आप जो भी कर रहे हो आपको एक एक्साइटमेंट रहती है कि ये करना है तो मुझे ये शूट करना है। तो इस चीज ऐसी चीज़ों के लिए ही मैं शूट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कि मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल आए और आगे अगर अर्न कर पाऊँ तो कुछ अर्निंग भी हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो प्लीज़ ये सब होगा आपके सपोर्ट से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे पहले चैनल भी है, वो थोड़ा पुराना था, इसलिए मैंने ये न्यू चैनल बनाया। प्लीज़ उस पर भी वीडियोज़ डालती रहूँगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चैनल एकदम अपडेटेड रहेगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।